हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हमारा राजा बैटरी की। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बैटरी में बढ़त देखी गई है। लगभग 10 रुपये आप देख सकते हैं, 1.5% का आज रिटर्न दिया कंपनी ने। तो इसके पक्ष में जो एक खबर आई थी दोस्तों, आपको पता होगा कि आंध्रा पोल्यूशन बोर्ड ने इस पर बैन लगा दिया था, इसके 2 प्लांट पर। और जो मेन रीज़न था वो ये था कि पोल्यूशन इससे बढ़ रहा था, इनके जो प्लांट्स हैं उनसे पोल्यूशन हो रहा था। तो आंध्रा पोल्यूशन बोर्ड ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था। तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, और हाई कोर्ट में अपील के बाद हाई कोर्ट ने कल ये फैसला सुनाया दोस्तों। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार हमारा राजा बैटरीज लिमिटेड द कंपनी हैज रिज्यूम्ड ऑपरेशन एट इट्स प्लांट नन गुंडेलपाली एंड कारकम्बद्दी एट चित्तूर डिस्ट्रिक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 मई 2021 आफ्टर हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ग्रांटेड एन इंटरिम सस्पेंड ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाई आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब जो आंध्रा जो पोल्यूशन बोर्ड ने जो स्टे लगाया था वो हाई कोर्ट ने हटा दिया वो स्टे, और परमिशन दे दी है कि अब जो हमारा राजा बैटरी है अपना जो 2 पावर प्लांट है उन पे काम फिर से शुरू कर सकती है दोस्तों। और इसके बाद कंपनी ने फोकस किया है कि वो फर्स्ट क्लास, हम कह सकते हैं, कंटिन्यू विद इट्स फोकस ऑन दिस बेस्ट इन क्लास सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। द कंपनी विल कंटिन्यू टू एंगेज क्लोजली विद APPCB टू रिजोल्व एनी पोटेंशियल इशू। तो कंपनी ने भी साफ किया है कि वो बिल्कुल एनवायरनमेंट सेफ्टी के साथ और फोकस करेंगे हेल्थ पे, और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि इसके दो प्लांट जो बंद हो गए थे वो काम करने शुरू हो गए। तो अब इस शेयर में आपको अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों। और ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ये शेयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए काफ़ी मायने रखता है, तो आप इस शेयर पर नज़र रख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।